So hey, namaskar everyone, this is Shweta Roy and you're watching Catchy Cloud. Why am I like this? So welcome back to my channel. Today I'm going to react on your favorite song, that is Dino James' Girlfriend, because you have requested it so much on my comment section. Please do it now. To Dino James's Girlfriend. Okay, I know. Okay, I have to do this. So your request is on my sad. I'm talking shit. Don't mind. So let's not waste time. Let's watch it. Oh my God! It just crossed 21 million views. It has to be good, man. Thanks for suggesting me. Thank you. Namaskar. ये एक सोशल सर्विस अनाउंसमेंट है जो जनहित में जारी है. सरकार आपको कुछ बातें बताना बहुत जरूरी समझती है और मुझे लगता है कि आपकी जिम्मेदारी है. आजकल के रिलेशंस कितने छाटू और दो कौड़ी के. हमारे सारे था उस पार की लौड़ी के. उड़ता हुआ तीर हमको अपनी गांड में लेने का बहुत शौक है, क्योंकि पहले दिन से आपको पता रहता है बाबा की पिक्चर अपनी फ्लॉप है. तुम्हारे जैसे चूती आशी के घुमा चुकी हजार. ये सारी मतलब की मशीनें, इनको किसी से नहीं हो सकता प्यार. कितनी भी मरा लो इनको हमेशा कम पड़ जाता है. हर 2 मिनट के बाद तो इनको अपना एक्स बॉयफ्रेंड याद आता है. लेकिन हालत की जानकर भी हम कुछ नहीं कर पाते. सामने लिखा रहता है गांड फटने वाली है, लेकिन क्यों उसको पढ़ नहीं पाते. पता नहीं ये छोटा सा पंडा इनको क्यों नहीं समझ आता है कि इनका सो कॉल्ड जो बेस्ट फ्रेंड है इनके साथ में बस सोना चाहता है. तो इतनी देर तक गले लगती है कि न जाने कब के पिछड़े. और गांड जोनी में हम ये सोचते हैं कि हम भी शायद पिछड़े. इनकी सखी सहेली हमें ब्रॉड माइंडेड होने की राय देती है. खुद के रिश्तों के लौड़े लगे हैं हमारे भी लगा देती है. हमारे इनसिक्योरिटी का बहुत बड़ा हाथ इनके कपड़ों को भी जाता है, जिसे निकले में जो रैश क्रैक एकदम साफ नजर आता है. ब्लू वेस्ट पहनना भी बिचारियों की बहुत बड़ी मजबूरी है, क्योंकि इनकी गांड का तितली का टैटू लोगों को दिखना भी तो जरूरी है. प्यार को समझने की इनकी औकात नहीं है. हम माँ बाप से मिला दे इनमें ऐसी कोई बात नहीं है. इश्क में हम इनको जबरन लैला बना देते हैं. असलियत में लैला की छांट नहीं है. चलता था जिस रास्ते तुझे पाने के वास्ते, मेरी जाना मैंने क्या कुछ नहीं सहा. जान के अनजाना था, हमेशा मैं बेगाना था. तुझे खोने के डर से कुछ ना कहा. हमारा नंबर हमेशा व्हाट्सएप फेसबुक के बाद ही आता है. ये हगने बाद में जाती है, पहले इनका अपडेट आ जाता है. सारा दिन और सारी रात की फोन की गांड में घुसी रहती है. What? और बोलो तो इनका बहुत बड़ा उदास हो जाता है. तुम्हारे एक्शन से पता नहीं लौंडिया क्या क्या करती है. इनका कोई मान धर्म कोई मॉरल वैल्यू थोड़ी जिससे ये डरती है. कोई बड़ी बात नहीं है जो भाई बोलकर इनको एक साल से गिफ्ट दे रहा है. तुम्हारे जाने के बाद में भोसड़ी वाला वो ही इनकी ले रहा है. एक दिन गिटार उठाकर बोलती है सीज बीन गिफ्टेड बाय माय एक्स. एक बार तुम उसे उसके नाम निकल गया. व्हेन यू हैविंग सेक्स गांड पट्टी में 2 सेकंड में मेरा केले से किशमिश हो गया. मैं छोटू को ढूंढता रहा, बेचारा झाड़ियों में कहीं खो गया. बाप के पास में स्कूटर नहीं, लेकिन लड़का BMW वाला होना. कड़कों के साथ में होता है इनका सारा रणबीर होना. पैसे वाले लौंडे के साथ में एकदम गांड फटी में ही रहती है. फिर उनकी माँ बहन क्या उनके जूते चप्पल दिए सहती है. बचपन में जो पापा ने समझाया था अब समझ में आई हो बात. कि पढ़ाई नहीं करेगा तो अच्छी लड़की कहाँ से मिलेगी. मतलब पढ़ाई इक्वल्स नौकरी इक्वल्स पैसा हो. मतलब पापा को भी पता था ये सारी पैसों से ही आती है. नाउ द क्वेश्चन इज कि पैसा होकर भी इनके जाल में क्यों फंस जाते हैं. कुत्ते बन के क्यों इनके सामने प्यार के लिहाज फैलाते हैं. क्योंकि हम चूती है एंड वी ऑलवेज नीड एन इमोशनल सपोर्ट. और उसी बात का तो फायदा उठाती है मदरफकिंग होर्स. बहुत सारी है दैट लास्ट काउंट हाउ मेनी होर्स रियली. दे से इट्स सो प्राउड जी के ना जाने माँ बाप की कितनी सेवा की है. 15-20 मिनट तक तो ये हमको पहचानती तक नहीं है. उसके बाद इनको याद आता है. लेकिन इनके सारे लोगों को याद रखना ह्यूमन पॉसिबल भी तो नहीं है. बड़ी बात है कि इनको एक चीज याद है कि हम इनके साथ हैं. और हो सकता है क्योंकि ये इनके टेम्पररी हालात हैं. नहीं तो कितने सारे लोगों को तो ये कपड़े पहनते ही भूल गई है. कितना क्यूट फेस बनाकर मेरी लिरिक्स सुन रही है, जैसे इनको आइडिया ही नहीं है कि सब मैं किसके बारे में बोल रहा हूँ. क्योंकि इनकी
कान फटी हुई है क्योंकि एक एक करके मैं इनके सारे राज खोल रहा हूँ। मैं चलता था जिस रास्ते तुझे पाने के वास्ते, मेरी जाना मैंने क्या कुछ नहीं सहा, जान के अनजाना था हमेशा मैं बेगाना था, तुझ खोने के डर से कुछ ना कहा, कुछ ना कहा। दूसरे रूट के एग्जांपल लेकर हमेशा हमारी कान जलाती है। You know my friends are like, oh my god, एकदम सजेदार दिखता है। अगर True. एक किसी शक्ल से हमें प्यार नहीं हुआ होता ना, तो हम बताते कि ये सुनकर हमको कैसा लगता है। एक महीने में आपका सेंस ऑफ ह्यूमर इनके सामने फेड हो जाता है। Then they talk business. घर में क्या बोलूं, तो कितना कमाता है। फिर धीरे धीरे इनके बिहेवियर में चेंजेस आने लगते हैं और एकदम से इनके लाइफ में कोई NRI आता है। ये नहीं बोलेगी कि वो आपको छोड़ने वाली है। They play mind games and let you do this dirty job. You deserve someone better. मैं बहुत बुरी हूँ, खुश है तू? एंड में लगता आप ही की बेचारे पे ना जाने कितने पाप। अपने कन्वीनियंस के हिसाब से पद से बदल जाती है। अगर बहुत उमड़ उमड़ के प्यार आ रहा है तो जरूर आपसे कुछ चाहती है। You only there till she finds someone better than you. उसके बाद who are your man? चौक कौन है रे तू? हमको लगता है सिर्फ हमारे साथ हुआ, लेकिन भाई सबकी स्टोरी है। निकल भी नहीं सकते, उगल भी नहीं सकते, अजीब थी। इसीलिए आप लोग मेरी लिरिक्स इतना ज्यादा कर रहे हो रिलेट। मैं कर रहा हूँ यार ये कहानी नरेश। हमारी गांड मारते मारते भले कभी नहीं थकती है, लेकिन लेंट उपवास और रोजे एकदम याद से रखती है। Now even God knows that you guys are so fucking fake. हंसते होंगे वो ऊपर तुम्हारी झूठी भक्ति देख। भगवान करे जो मैंने कहा उसके एटलीस्ट ज्यादा तू भी खोगे, और तू भी जाने कैसा लगता है अपना सब कुछ खोके। तेरी आंखों के सामने तेरा बॉयफ्रेंड किसी और को किस करे, और सारी रात रो रो कर बस मुझको मिस करे। एक मतलब वस्तु तो तू देखना तेरे साथ में सब कुछ होगा। ऊपर वाला मुझे भी तो देगा तुझ पर हंसने का एक मौका। Don't you think of coming back because now I hate you from my heart. अब स्वाप होने वाले हैं हम दोनों के हालात। तुझे ये सब बोल के बैंक शॉक, मुझे क्यों बुरा लग रहा है? क्यों मुझे हर जगह बिक रहा है मनोज चेहरा दिख रहा है? मुझे बर्बाद करके भी क्यों तुम्हारे दिमाग से नहीं जाती है? क्यों मुझे सुबह शाम बस तेरी याद आती है? क्यों रातें मेरी बातें तेरी सारी मुलाकातें तेरी, जाने कैसे तुझको मैं बताऊं, कैसे भुलाऊं तुझे, दिल से मिटाऊं तुझे, कैसे दिल की याद। क्या चेंज आई है भाई? मतलब ये क्या था? My God. Thanks for suggesting me. This different kind of song. वो तो मतलब firstly उसका खुद का भड़ास निकाला, उसका जिसके साथ भी जो भी था जो भी कश्मकश थी वो निकाल दिया। And then he felt sorry for her. He said sorry and said sang his दुख भरा गाना। एंड वन थिंग आई जस्ट वांट टेल यू दैट सब लड़की एक जैसी नहीं होती है, कुछ कुछ अलग भी होती है। जैसे सब लड़के एक नहीं होते हैं, कुछ कुछ अलग भी होते हैं। कुछ कुछ क्या, सभी अलग ही होते हैं, पर 10% वो वाले होते हैं, 90% ये वाले होते हैं। तो यू हैव टू फाइंड इट करेक्टली, राइट? आप खुद जान बुझ कर उसके जाल में फंसोगे तो फंसना ही होगा ना। तो दैट इज द थिंग। आई लाइक हिज वॉइस, इट्स डिफरेंट एंड इट हैज सम सूफियाना अंदाज इन इट। होप यू गाइस एंजॉयड माय रिएक्शन। आई रिएक्टेड गुड आई थिंक, एंड इट वाज अ सुपर सुपर डुपर जेन्युइन रिएक्शन फॉर मी। लाइक यस, he talked about girls and I just listened it so much carefully, but I'm telling you that shop mera ki hai na, sabhi ladki ek jaisi nahi hoti hai, keep that in mind and do like and share with your magical fingers
and subscribe to my channel and comment down below if you like my reaction. And keep loving, keep supporting. Bye bye.